शहर कायद से जहां के इलाके सोल्जर बाजार पुलिस ने कार्रवाई करके दो मुलजिमों जमाल और इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों से असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल समेत दीगर सामान बरामद कर लिया गया। उधर शारा फैसल पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाईयों में 19 मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया है। कराची से आपको हम खबर दे रहे हैं जहां पर सोल्जर बाजार में पुलिस ने यह अहम कार्रवाई की है और दो मुलजिमान को धर लिया गया है। मजीद बात करेंगे, नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। नवीद बताइएगा, मजीद क्या कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से जो है मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की गई है। सोल्जर बाजार में कार्रवाई के दौरान जो है दो स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी जो शनाख्त है वो इमरान और जमाल के नाम से हुई है, जिनके कब्जे से दो टीटी पिस्तौल, इसके अलावा मोटरसाइकिल भी जो बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों मुलजमान जो है स्ट्रीट क्राइम की मुतादित वारदातों में जो है मुलव्वस है, जबकि जो शराब फसल पुलिस की जानिब से भी जो है कार्रवाइयां की गई है, जिसके दौरान 19 जो मंशियात फरोश और आदि है मंशियात के उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 300 ग्राम के करीब जो मंशियात है वो गिरफ्तार जो है बरामद की गई है। तमाम तरह जो मुलजमान उनके खिलाफ मुकदमा भी जो दर्ज कर लिया गया है और मजीद तहकीकात जो है वो जारी है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया नवीद सिद्दीकी, आप हमें आगाह कर रहे थे।